Hello friends, welcome to all in our YouTube channel on environmental science. ये हमारा solar energy के topic पे दूसरा part 2 video है. इससे पहले हमने part 1 में जुलाई 2016 में आया हुआ example solve किया था. तो आज हम solve करेंगे एक और numerical जो कि solar energy से ही आया था जुलाई 2018 में. जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो 2018 में आया है, पहले हम इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है. सो अ सिंगल सोलर सेल ऑन इल्यूमिनेशन बाय इंसुलेशन ऑफ अबाउट 800 वाट पर मीटर स्क्वायर प्रोड्यूसेस अ वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट एंड करंट अप टू 2 एम्पियर. The efficiency of the solar cell is 12.5%. The area of the cell is. तो दोस्तों हम जो जो हमें given है पहले हम उसे list out कर लेते हैं. सबसे पहले हमें given है efficiency. Efficiency हमें दिया है 12.5%. उसके बाद हमें है voltage. Voltage दिया है 0.5 volt. Then हमें दिया है current 2.0 ampere. Then हमें solar insulation दिया है 800 watt per meter square. हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेल. तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो देख लेते हैं हम इसे कौन कौन से हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जिससे हमारे को एरिया फाइंड आउट इजीली हो जाए. तो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी का फॉर्मूला चाहिए होगा. एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट इनटू 100. सो पावर आउटपुट, पावर आउटपुट की वैल्यू हमें डायरेक्टली इसमें नहीं दी गई है, तो इसके लिए हमें पावर आउटपुट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसके लिए हमें यूज करना है पावर आउटपुट अपॉन पावर आउटपुट इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट. तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे. और हमें एसआई का फार्मूला हमें पता है सोलर इंसुलेशन का, लास्ट स्लाइड में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि है पावर इनपुट डिवाइड बाय एरिया. इसे हम लिख सकते हैं पावर इनपुट इज इक्वल टू एसआई इनटू एरिया. तो हम ऊपर के दो फॉर्मूले एसआई और एफिशिएंसी के फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करते हैं. एफिशिएंसी इज इक्वल टू वी इनटू आई. वी इनटू आई हमने ले लिया है पावर आउटपुट से, ये हमने वी इनटू आई यहां पे पुट कर दिया है. और हमने पीआई इज एसआई इनटू एरिया पुट कर दिया इनटू 100. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, एरिया को हम इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया पी नॉट अपॉन एस आई इंटू ईटा. पी नॉट हमें पता है वी इंटू आई हमारा ऑलरेडी है, तो 0.5 इंटू वी इंटू 2 अपने सारी वैल्यू जो हमें गिवन है इसमें रखी और हमारा आंसर 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर आ गया. थैंक यू दोस्तों. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस वीडियो में, कोई कुछ समझ नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में मेंशन कर सकते हैं. और इसके अलावा आपको कोई दूसरे न्यूमेरिकल डिटेल सॉल्यूशन में चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. धन्यवाद.